शायद आगे कोई नेता गया है इसीलिए मंदिर प्रशासन हमको तो लाइन में लगाए, उनके चेलों को जाने दे रहा है। मैं हूं विजय कुमार, आप देख रहे हैं हमारे लोकहित चैनल बाबा आनंदेश्वर पे हूं इस समय, और हम आ चुके हैं बाबा आनंदेश्वर के दरबार पे, और आप देख रहे हैं बाबा आनंदेश्वर पे जो है पुनः मैं दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को सर लाइव, और आगे लोगों से बात करते हैं। बाबा आनंदेश्वर के दरबार में हूँ मंदिर के अंदर, और हम एक एक करके लोगों श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं। बाबा आनंदेश्वर के दरबार में इस समय हमें मौजूदा में आप देख पा रहे हैं बाबा आनंदेश्वर के लोग, क्योंकि जो सोमवार को लाखों की संख्या में भीड़ होती है, पुनः उसी स्थान पर हैं हम। जैसे मैंने पिछली बार आपको सोमवार को मैंने दर्शन करवाया था बाबा आनंदेश्वर के, और आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं पुनः, और बाबा आनंदेश्वर को बहुत सुचारू रूप से लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं कि जो है यहाँ पर लोगों को लाइन लगाना या दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है सोमवार को। जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा इस समय आनंदेश्वर के धाम पर रहे हैं, और हम लगातार लोगों के लाखों की संख्या में लोग हैं यहाँ पर, और माल्यार्पण लोग कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों की संख्या है यहाँ पर जो पुष्प अर्पण या और जल चढ़ाने के लिए लोग यहाँ लगातार लाइन कतारों में लगे हुए हैं, और हम देख पा रहे हैं लोग जो है लगातार इतनी संख्या में लोग हैं, क्योंकि जो बाबा के दर्शन कैमरे में कैद नहीं हो पा रहे हैं, और हम बाकी दिखा देते हैं एक बार आपको लगातार, आप हमारे कैमरे से देख सकते हैं बाबा के दर्शन करने की आप सभी लोग, क्योंकि जो लोग नहीं आ सकते हैं बाबा के दरबार में वो हमारे कैमरे के माध्यम से वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। लाइव मैं इस समय कवरेज कर रहा हूँ, तो आप बाबा के दरबार पे इस समय मैं हूँ, तो आप देख सकते हैं बाबा के दर्शन कर सकते हैं, और जो है कर्मचारी यहाँ की जो है पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ बाबा के सहयोग में, बाबा के पुष्प अर्पण कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं सीधे अंदर, और लगातार तरीके से माल्यार्पण या पुष्प अर्पण सारे कुछ यहाँ पर सुविधाएं हैं, और बाबा के दरबार पर अर्पण कराए जा रहे हैं, तो हम आप देख सकते हैं लगातार वीडियो के माध्यम से, और देख सकते आप बाबा के दर्शन करिएगा, ये आप दर्शन कर सकते हैं बाबा के, ये देखो बाबा के दर्शन करने के लिए मैं आपको लाइव कब्र दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप महाराज के दर्शन करिएगा। तो ये आप लोगों को मैंने अभी आपको बाबा के दर्शन कराए, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बाबा की व्यवस्था के लिए लोग खड़े हैं, तो बाबा की व्यवस्था के लिए भी लोग यहाँ पर खड़े हैं मौके पर, ताकि व्यवस्था किसी भी तार की कोई भी गड़बड़ ना हो, और यहाँ पर दरबार पर हैं बहुत सारे लोग हैं, और हम लोगों से बात करते हैं मौके पर। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे बाबा आनंदेश्वर के दरबार में हम इस समय हैं मौजूदगी में, और लोग लगातार जो है लाखों की संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु लोग हैं मौके पर, क्योंकि अंदर जाना या अंदर दर्शन करना आज के दिन सोमवार के दिन बहुत मुश्किल होता है बाबा के दरबार में, जो लोग दर्शन कर लेते हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि सोमवार के आनंदेश्वर इसमें हमें बाबा आनंदेश्वर परमन कानपुर में और महानगर में, और आप देख पा रहे हैं बाबा के महाराज के दरबार में इसमें हैं हम यहाँ पर खड़े हुए मौके पर, और देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, और बाबा के सब भक्तगण हैं यहाँ पर, एक एक करके बात करते हैं लोगों से। पुनः वही स्थान पर बाबा आनंदेश्वर के दरबार पर आया हूँ, सोमवार का दिन है, और लोगों से बात करते हैं एक एक करके, लोगों से बात करते हैं एक एक करके, और लोगों से बात करेंगे हम, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौके पर आप देख सकते हैं एक एक करके, और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, और क्योंकि अगर एक मिनट के लिए यहाँ रोक दिया जाए तो यहाँ पर हजारों यानी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस कतारों में लगे हैं जो अपने नंबर के लिए तलाश कर रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। हम उनसे लोगों से भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके लाइन लगी हुई है बाबा के दरबार में आने के लिए, उनसे बात करते हैं। हाँ, तो बाबा के दरबार में लोग लगे हुए हैं। हाँ भाई, बाबा के दरबार दर्शन करने के लिए लोग मैदान में बाबा के दरबार के भी इसमें लगातार लोग लाइन पे लगे हुए हैं, घंटे से लगे हुए हैं, दो घंटे से बाबा के दर्शन, हमारे भाग के आपके बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, सोमवार के दिन बाबा दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं। इसमें लोग लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, यो एक डेढ़ किलोमीटर तक लाइन लगी है, क्योंकि आप जो है हमाम बोले लाइन का अगर बात करेंगे तो एक किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। महादेव बाबा के श्रद्धालु लोग हैं, बहुत खुश हैं यहाँ पे बाबा से, क्योंकि मिलने के जा रहे हैं। सोमवार के दिन दर्शन करना बहुत बड़ा भाग होता है जो बाबा के दर्शन, महादेव देख पा रहे हैं, हर हर महादेव की जयकारा लगा रहे हैं, बाबा के दर्शन करना है, लगातार बाबा के दर्शन करने के लिए लोग जो है हर महादेव, एक ही नारा बाबा हर हर महादेव का, हर महादेव हर हर महादेव, बम बम बोले के नारे लग रहे हैं लगातार, बोले बम बम बोले, बोले बम बम बोले, बम 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 बोले, हर हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम। पत्रकार भाई शू कंटिन्यू बम बम बोले। तो बाबा के दरबार में देख पा रहे हैं लगातार श्रद्धालुओं जो है आ रहे हैं,
और लगातार अपने जो दर्शन करने के लिए बाबा के श्रद्धालु लोग जो हैं लगातार लाइनों में कतार के दर्शन के क्रम बाय क्रम करते चले आ रहे हैं। बाबा आनंदेश्वर के दरबार पर इसमें हम बाहर के गेट पर एंट्री गेट पर खड़े हुए हैं, एंट्री गेट पर इसमें खड़े हुए हैं और देख पा रहे हैं कितने सुचारूपूर्वक तरीके से लोगों को अंदर किया जा रहा है और क्रम बाय क्रम करके जो है लोगों को बहुत अच्छी सुचारू एक लाइन से लोग बराबर तरीके से लोगों को एंटर किया जा रहा है ताकि जो है किसी तरीके से कोई वो ना हो पाए, यहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा ना हो सके। और बाबा के दरबार में बहुत नियम का फॉलो किया जा रहा है क्योंकि दोनों दो लाइन लगी हुई है और दोनों लाइन लोगों से बराबर बराबर संख्या में लोग अंदर किए जाते हैं और देख पा रहे हैं बाबा के अंदर दरबार में लोग जो है एंट्री गेट पर हैं और लगातार इस समय गेट पर हमें एंट्री गेट पर दो लाइनें लगी हुई, दोनों लाइनों को क्रम बाय क्रम करके जो है लोगों को छोड़ा जा रहा है ताकि जो है किसी तरीके से भेदभाव या कोई एंट्री में नहीं की जा रही ताकि जो लोग बराबर बराबर संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और हम एक एक करके लोगों को देख रहे हैं दो लाइनें लगी हुई हैं तो एक एक करके संख्या में अच्छी तरीके से बराबर संख्या में लोगों को एंट्री करके छोड़ा जाता है और तब एक लाइन को डाउन किया जाता है, एक लाइन को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं बाबा आनंद सर के दरबार पर लगातार लोग जो है एक एक करके जो है एंट्री की जा रही है और बाबा दरबार में दोनों लाइनों को समान पूर्वक देखा जा रहा है और हम लोगों से श्रद्धालु से बात करते हैं एक करके बात करते हैं। बम 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 बोले बम बम जय श्री राम, बम बोले श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। आप देख रहे हैं बाबा के श्रद्धालु लोग जो हैं लगातार कतारों में लगे हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, उस समय पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने। सोम हर महादेव श्री शंकर की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, बम बम बोले हर महादेव, बम बम बोले हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बोले हर महादेव। आपकी नजर पड़ रही है बाबा के दरबार में बाबा के भक्त गढ़ी आ रहे हैं और लगातार दर्शन करने के लिए इसमें मुताब हैं क्योंकि लगातार जो बाबा के दरबार पे जो सोमवार के दिन भीड़ होती है उसको काबू करना बहुत बड़ा प्रशासन का कड़ा हाथ लगाना पड़ता है, तब बाबा की दरबार पे जो भीड़ होती है वो काबू में पाती है। और हम भैया जय बाबा की, जय बाबा भैया। तो आप देख पा रहे हैं हर हर महादेव के रोल में जयकारे लगा रहे हैं और यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, पूरे हुए भीड़ इसमें हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बाबा के श्रद्धालु लोग जो है पहुँच रहे हैं मौके पर और इसमें बाबा के दर्शन करना इसमें सोमवार के दिन माना जाता है बहुत बड़ा पुण्य है। तो बाबा सोमवार के दिन दर्शन होते हैं क्योंकि बम बम बोले, तो आप देख पा रहे हैं उन्हीं को दर्शन होते हैं जो बहुत बड़ा कुछ काम या नहीं बहुत बड़ा पुण्य किए होते हैं। बाबा के दर्शन सोमवार के दिन पाना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है क्योंकि सावन के महीने और बाबा शिव के दर्शन, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बम बम बोले, आप देख रहे हैं बाबा बम बोले, आप देख पा रहे हैं बाबा के दरबार पे जो है लगातार बोले बम 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 बाबा के बम 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 बम। तो आप देख रहे हैं बाबा के दर्शन करते हुए लोग पहुंच रहे हैं मौके पर और हम देख पा रहे हैं बाबा के सभी लोगों को दिखाते हैं कर बात करते हैं बाबा के दरबार में इसमें कितने लोग श्रद्धालु में लोग लगे हुए हैं लगातार लाइन में कतार में, हम लोगों से भी दर्शन आपको एक करके दिखा रहे हैं लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप देख पा रहे हैं बाबा के दरबार में लोग लगातार नियम और कायदा को फॉलो करते हुए लगातार लाइन में लगे हुए हैं और बहुत मुश्किल से ही दर्शन हो पाते हैं बाबा के सोमवार के दिन। सोमवार के दिन दर्शन करना बहुत भाग्य माने जाते हैं, सोमवार के दिन दर्शन करना बाबा के बहुत सोमवार के दिन दर्शन करना बाबा के से बहुत बहुत को माना जाता है। तो वो इस तरीके से हम दिखा पा रहे हैं लोगों को कवरेज कर पा रहे हैं हम। तो जैसे कि देख पा रहे हैं बाबा आनंदेश्वर के दरबार पे इसमें लोग लाखों की संख्या में जो है गेट से एंट्री कर रहे हैं और लगातार बाबा के दरबार में आ रहे हैं। हर हर महादेव, बाबा के दरबार में बाबा के दरबार में लोग जो है आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बाबा के दरबार में लोग जयकारे लगा रहे हैं लगातार क्योंकि जो है लगातार कंटिन्यू संख्या में लोग आ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं और देख पा रहे हैं बाबा आनंद। तो बाबा आनंद जो है लगातार संख्या में आते चले जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से नियम को फॉलो करते हुए क्योंकि जो इस तरीके से जो संख्या होती है बाबा आनंदेश्वर दरबार में बोले सोमवार के दिन जो है दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से लाखों की संख्या में लोग जो है
बाबा शिव के दरबार पे आते हैं और हम लोगों से बात करते हैं। बाहर इतनी संख्या में लोग, 1 किलोमीटर तक भीड़ लगी हुई है, यानी कि जनसंख्या में लोग हैं, बात करते हैं। बहुत हो जाएंगे और इसीलिए जो है प्रशासन बहुत टाइट रहता है, हर मौके पर लोगों को आगे आगे बढ़ाया जाता रहता है पुराना तरीके से। आप देख सकते हैं हमारे लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और बाबा आनंदेश्वर दरबार पे हैं और आप देख सकते हैं फुल सिक्योरिटी, यानी कि फोर्स पुलिस बल है यहाँ पर मौके पर और पूरी तरीके से, और लोग जो है यहाँ पर है और लोगों से बात करते हैं बाबा आनंदेश्वर के दरबार में। आप देख सकते हैं, हम देख दिखाते हैं तो आप देख रहे हैं बाबा आनंदेश्वर कुछ समय जो है पीछे से बहुत लाखों श्रद्धालु लोग लगे हुए हैं, और हम देखते हैं कतारों में कितने लोग, लाखों की संख्या में लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लोग हैं। हाँ महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर महादेव, हर महादेव। देख सकते हैं लाखों लोग जो है इस समय सरकारी लोग लगे हुए हैं। आप अगर दूर तक बात करेंगे तो ऐसी लगातार भीड़ लगी हुई है बाबा आनंदेश्वर दरबार में, और देख सकते हैं हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं छोटे से बालक जो है बाबा के आनंदेश्वर दरबार में आए हुए हैं। देख रहे हैं छोटे से बालक हैं बाबा की पूजा करने के आए हुए हैं इसमें, और हम लोगों से बात करते हैं देख करके, तो लोग जो लाखों की संख्या में इसमें कतार में लगे हैं। हर महादेव। तो आप देख रहे हैं बाबा के दरबार पे जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं मौके पर, और जो है हर सोमवार को यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोग जो लगातार कतारों में आते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ हो जाती है, और हम बात करते हैं करके लोगों से ना, और चलते हैं कि करके लोगों से बात करते हैं। तो भाइयों आप देख सकते हैं बाबा आनंदेश्वर की आरती है इस समय, आरती चल रही है और आप देख पा रहे हैं लगातार तरीके से जो है यहाँ पर इस समय जो बाबा की आरती में लोग शामिल हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं। तो आप लोग जो हैं बाबा आनंदेश्वर के दरबार में देख रहे हैं सारी लाइव तस्वीरें हमारे साथ में, मैं कवरेज कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं मौके पर। पीछे देखो बाबा आनंदेश्वर के सामने ठीक उस लिंक बना हुआ है, यानी कि जो है बाबा आनंदेश्वर के सामने जो लिंक के सामने ठीक नंदी महाराज की फोटो है, वो आप सामने देख सकते हैं हमारे लोक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वो